कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धमतरी के पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा की शुक्रवार को आयोजित होने वाली नामांकन रैली रद्द कर दी गई है। होरा आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें हाईकमान से संदेश मिला कि वह नामांकन दाखिल ना करे। गुरमुख सिंह होरा ने एक अनुशासित कांग्रेसी की तरह अपनी नामांकन रैली को रद्द कर दिया और कहा कि मैं हाईकमान की मीटिंग में तय होगा कि प्रत्याशी बदला जाएगा अथवा नहीं। आज नामिनेशन भरना था मगर हाई कमान की अभी मीटिंग हुई नहीं है। मेरे ख्याल आज या कल मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपको कुछ निर्देश मिले क्या ऊपर से? हाई कमान के जो मीटिंग है वो होने के निर्देश हो रहे हैं, तो निश्चित ही हाई कमान अगर पुनः विचार कर रहा है तो उस पर इंतजार करने की बात है। मध्य प्रदेश में भी सीट बदला गया है, 4 सीट, क्या धमतरी में भी सीट बदल सकते हैं? बदलना तो चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मेरे ख्याल चेंज किए हैं, तो हाई कमान को तो सब जानकारी है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मीटिंग अभी हो रही है निश्चित ही अच्छा निर्णय आएगा। यानी कि बैठक में आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है? ऐसा है, उम्मीद तो हमेशा इंसान को रखना चाहिए।